अब देखू ना आए जो अब कोई सुबह तेरे बिना और चाहू ना वो सच कोई ख्वाब मेरा तेरे बिना देखू ना तेरे बिना मैं सुबह भी गवाना ना चाहता मैं दूंगा गवा भी मैं बातों से हावी ये दिल की जो चाबी घुमाना ना चाहता ये कैसी बेताबी मैं हाली में सोचू जो थाली में खाना परोसू वो जाली और खाली सा लगता मैं माली जो डाली को नामों से भरता मैं गाली जो सामने देने से डरता मैं मरता हुआ यादों से नींद में भी आंखें बंद करके ढूंढ लूं भीड़ में भी अजीब सी बात है कि ढीठ सा ही लिखता तेरे ही बारे में गीत में भी तरकीब यही के सुनेगी तू गाने पे फिर आके झूमेगी तू आके पूछेगी तू मैं अकेला हूँ क्यों बस बिना कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि भाई ये रेडियो नाइट्रोस है क्या? कभी कभार तो लगता है अपूरी भगवान है। बस कर भाई कितनी एक्टिंग करेगा अब बता भी दे कि है क्या ये रेडियो नाइट्रोस। चल कर सुन तो बेसिकली पुष्पल हम जैसे लोग ही खुशियां बांटते हैं कॉलेज में इवेंट्स के द्वारा ये हेक्टिक भरी कॉलेज लाइफ में तुम जैसे गरीबों का सहारा बनते हैं एंड रेडियो नाइट्रोस क्लब आम जनता को उत्तेजित करने वाले काफी सारे इवेंट्स करवाता है ओके एंड आपको ये जान के बेहद खुशी होगी कि रेडियो नाइट्रोस तीसरा सबसे बड़ा इंटरनेट बेस्ड रेडियो है अमंग ऑल आईआईटीज एंड एनआईटीज। सही है यार सुनने में तो काफी जबरदस्त है अब थोड़ी झलक भी दिखला जा। ठीक है फिर आ जा एक बार। What we do, where we do, the things we do are between भाई रुक, रुक and बता, we don't have whole day। हाँ बता रही हूँ इतना गुस्सा क्यों कर रहा है ऐसा बोल रहे तो बहुत बिजी है वेला तो बैठा रहता है। मैं बहुत बिजी हूँ जल्दी करो मेरे को जानना है। बता रही हूँ जो रेडियो नाइट्रोस क्लब है वो अपने सारे सारे जनता को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है एंड इट्स थ्रू इवेंट्स इवेंट्स लाइक ऑरेंज बॉक्स मटकी फूड मीम रैंट टाइम शामेनूर मूवी मिस्टिक्स खुले दिल फंटास्टिक कॉलेज का टशनबाज नेक्सस वर्स वॉइस इट आउट अरे मैं एक्सटेसी के बारे में भूल ही गई एक्सटेसी में ना बहुत सही सही इवेंट्स कराता अपना क्लब। एक काम करो क्लब तो बहुत बढ़िया है मेरे को ये मेल कर दो मेरे को याद नहीं रहेगा ये। हाँ मुझे पता है तू भुला कड़े सब मेल कर दूंगी देख लेना। ठीक है चलो। आ जाओ भाई प्राची मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। यार अक्षय एक बात बता ये ऑरेंज जूस बॉक्स क्या है काफी सुना है इसके बारे में लेकिन हाँ सिर्फ एक ही बताना। जहाँ पे कविता शायरी पोयम स्टैंड अप कॉमिक और भी कहीं ज्यादा होता है एंड टग ऑफ वॉर। अच्छा वो स्क्विड गेम में देखा था मैंने सबसे रीसेंट हुई था बहुत सही था यार। तो ऐसे बहुत सारे करवाता है अपना क्लब एंड स्टूडेंट्स जो है बहुत सारा एंथुसियाज्म दिखाते हैं और बहुत लोग पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत लोग वेट भी करते हैं एक्चुअली अपने क्लब का। सही है यार फिर तो मतलब सुनने में तो काफी कसम लग रहा है। उम्मीद आशा और गुजारिश करता हूँ अपनी तकदीर से कि देखने को भी जल्दी मिले। 11th क्लास में बहुत सुनते आए यार कोचिंग क्लास में टीचर लोग बहुत सुनाते थे कि ये होता है कॉलेज लाइफ में वो होता है अब बस सब तरह का तरह रह गया सुनने को ही मिल रहा है बुढ़ापे से कल देखने को मिल जाए काश। अरे यार कुछ भी मत लवा बट देखते हैं क्या होता है।
यार अक्षय तो बुढ़ापे से याद है, पापा ना रेडियो बहुत सुनते जब भी बाहर जाते थे फैमिली के साथ में, हमेशा वही अपना रेडियो चला के बैठ जाते। कौन सा रेडियो सुनते हैं पापा? यार एक्जेक्टली तो याद नहीं, रेडियो बट बजाते रहो बार बार, किसकी क्या पता नहीं कोई चलता है। अरे प्रियांशु ये तो अपना 93.5 रेड एफएम निकला यार, अपने ही जानकार है वो तो। क्या मतलब तुम रोज बैठ के चाय पीते हो के साथ में? क्या मतलब? चाय थोड़ी पियेंगे, कोलैब करेंगे, अपना नाम रोशन करेंगे और क्या, कुछ भी मतलब। कोलैब? हाँ यार सही है, बता और क्या करते हो? हाँ तो बता रही हूँ, सुन तो ले, पेशेंस तो रख भाई। हाँ, बता। अपना जो कॉलेज का टशनबाज होता है ना उसी के जैसा होता है, लेकिन इस बार कोलैब में हुआ था ये अपने कॉलेज में। तो नॉर्मली सिंगिंग डांसिंग कोई भी टैलेंट हो अपने में वो हम लोग प्रेजेंट करते हैं। अच्छा है, मतलब सुनने तो अच्छा लग रहा है यार, बढ़िया है, करो करो कोलैब करो, डांस करो, सिंगिंग करो, एंजॉय करो, मस्ती मजाक सब सब कर रहे हैं हम लोग। मटकी फोर सुनने में तो बड़ा जबरदस्त है यार भाई, करने में तो और भी जबरदस्त है, लेकिन करते क्या हो? उफ यार इसको तो कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ तो काम दे भाई अपने दिमाग को, नहीं तो काम करना बंद कर देगा। रुक जा, सोचती हूँ यार, भाषण मत दे, शायद मटकी फोड़ में मटकी फोड़ते होंगे राइट? हाँ मटकी तो फोड़ते हैं, लेकिन वो जो मजा है ना, वो मिट्टी की खुशबू, वो कॉलेज की यादें, वो एक दूसरे को हराना और फिर खुल्ली उड़ाना, तो कहाँ ही समझ पाएगी अक्षिता। हाँ अगली बार मटकी फोड़ में मैं तुझे हरा के दिखाऊंगी कि कैसा लगता है, एंड समझ भी लूंगी। ठीक है देख लेंगे कौन किसको हराता है, वो सब छोड़। तुझे पता है मटकी फोड़ इतना सक्सेसफुल इवेंट था, जन्माष्टमी के दिन 300+ पार्टिसिपेंट्स आए थे एंड दे हैड अ ब्लास्ट। यार फिर तो अगली बार और भी तबाही मचाएंगे, आई स्वेयर। हाँ तबाही तो मचाएंगे, और तुझे पता है मटकी फोड़ के वीडियोस देख देख के जन्माष्टमी मेरा फेवरेट फेस्टिवल बन गया है। तू बता अक्षिता तेरा फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है? मेरा फेवरेट फेस्टिवल ना तो दिवाली ही है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, घर को सजाना, दियास को पेंट करना, रंगोली बनाना। मुझे बनाना नहीं आता लेकिन फिर भी वो अलग बात है। हाँ तुझे और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं, तू तो बस अपनी मम्मी के हाथ का बनाया हुआ खाना खाती होगी ना। नहीं पुष्पल तो अपनी सबसे इम्पोर्टेंट चीज भूल गई, फोटोज खींचना यार, फोटोज खींच के उसको इंस्टा पे अपलोड करना, लाइक्स एंड कमेंट्स का वेट करना और अपने आप में खुश हो जाना। आई हाय बस अपने सपनों की दुनिया से बाहर आ बेटा, अब मैं तुझे एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जिससे तेरा फोटोज खींचना भी काम आ जाएगा, एंड गेस व्हाट, तुझे शानदार गिफ्ट्स भी मिलेंगे। ये क्या बोल रही है पुष्पल, मतलब इतने सालों से जो मैंने फोटोज खींचे वो गए बर्बाद? नहीं यार तुझे बस अगले दिवाली तक का वेट करना है, और फिर हम लेके आएंगे शामे नूर। शामे नूर? नाम तो सुना सा लग रहा है। अरे ये तो वही इवेंट है ना जिसमें अपना केशव बहुत अच्छे अच्छे पिक्स खींच के हेडफोन्स जीता था, वही है ना? यार काश मुझे पहले पता होता, इसमें कैसे पार्टिसिपेट करते हैं? अरे बहुत सिंपल है ब्रो, देख तुझे अपने दिवाली के पिक्स गूगल फॉर्म के थ्रू रेडियो नाइट्रोस को देने हैं, और फिर रेडियो नाइट्रोज उसको अपने ऑफिशियल FB पेज पे पोस्ट करेगा। सिंपल, फिर तुझे लाइक्स कमेंट सब मिलेगा और तू जीत जाएगी। वाह यार ये तो बहुत सही है। अरे फिर से एक फोन एक गलत हाथों में चला गया, इसकी बेस्ट फ्रेंड इसके सामने बैठी है फिर भी फोन में घुसी पड़ी है। अरे नहीं पुष्पल, मैं शामिल उनके पिक्स देख रही थी, कितने सही पिक्स है यार। चलो ठीक है, फाइनली इसने कुछ अच्छा काम किया, आइए अब हम भी अच्छा काम करते हैं और नेक्स्ट इवेंट पे बढ़ते हैं। यार कभी कभी ना मेरे दिल में ख्याल आता है ये अगर ये मीम्स ना होते तो अपने से दल्ले फिर सर क्या ही होता कॉलेज में। हाँ यार कुछ भी कहो, मीम से मन जरूर लगा रहता है, और मेरे को तो इतना मजा आता है मैं 10 लोगों को भेज भी देता हूँ। सही है ना यार, शेयरिंग इज केयरिंग, ये होता है ब्रो कोड। और तुझे पता है आजकल तो ना लोगों ने मीम्स बना के पैसे कमाने का भी मौके ढूंढ लिए, एक मौके कितने सही होते हैं ना यार, मजे के मजे, और कुछ ना कुछ मिल ही रहा है, कुछ घट थोड़ी रहा है अपना। अरे भाई हमारे रेडियो नाइट्रोस को ही देख ले, कितना सही मौका देती है यार हमारे जैसे पूरा फटे दिमाग को। मीम नाइट्रोस इवेंट पता है तुझे? उस इवेंट में एक से बढ़कर एक मीम का कॉम्पिटिशन होता है, एंड टॉप पार्टिसिपेंट्स को बहुत सारे प्राइजेस मिलता है। अरे भाई ये ऑनलाइन क्लासेस है, कुछ तो चाहिए हम लोग को। सही है यार सही है,
मुझे पता है रेडियो नाइट्रोस नेवर डिसअपॉइंट्स मी इन दिस मैटर। हम सबको पता ही है। यस। अरे प्रियंशु कोई अच्छी सी मूवी बता ना, मेरे को देखना है। मूवी तू कब से देखने लगे? वैसे मूवी सी थी, मतलब तुझे तो काफी टाइम हो गया मूवी देखे हुए। अरे भाई पीयर प्रेशर नहीं, सब बोलते हैं ये देख लो वो देख लो, मनी हाइस्ट देख लो, ब्रेकिंग बैड देख लो, तो मैंने शुरू कर दिया। हाँ पीयर प्रेशर तो बहुत खराब चीज है भाई। ठीक है सुन, ये सब छोड़ तू, तू मुझे बता ये तेरे को आर्यन का इवेंट पता है? आर्यन का इवेंट आने वाला है। नहीं भाई नहीं पता, तू बता कौन सा? अरे मूवी मिस्टिक्स यार, बहुत सक्सेसफुल इवेंट है, मेरे को पिछले बार बहुत मजा आया था। सही बात है यार, मतलब मुझे कुछ पता नहीं है, तू बता उसके अंदर से क्या ऊपर ऊपर से डालेगा क्या, बता उसके बारे में। ठीक बताता हूँ, रुक, इसमें ना पजल्स होते हैं, रिडल्स, समझ रहा है? हाँ हाँ हाँ। एक मूवी का नाम तेरे को गेस करना है, ठीक है, पर वो डायरेक्टली नहीं गेस करना है तेरे को बहुत सारे पजल्स देंगे, ठीक है, बहुत सारे रिडल्स होंगे और तेरे को लास्ट में मूवी का नाम बताना है। बहुत अलग इवेंट है यार, मेरे को बहुत सारे प्राइजेस मिला है इस इवेंट से। यार सुनने में तो काफी सही लगा, क्योंकि मतलब मुझे पजल्स काफी पसंद है शुरू से, पजल्स रीडर्स वगैरह मैं देखता था, सॉल्व करता था बचपन में। अब वो डॉरो को कौन देखे बचपन, तू बता ये कहाँ है वो कहाँ है। अरे अरे भाई उसका अपना अलग चल रहा है भाई, ये कहाँ है वो कहाँ है, और मैं भाई मेरे को मन करता था टीवी में जाके उसको बोलूं भाई पीछे तो देखो, पीछे तो देखो, सब पीछे होते थे उसके, पीछे होते थे पागल मारते थे बचपन में, क्या यार वो भी। ठीक है छोड़, ठीक है चलो। क्या है दूर तो रे, क्या चुप रहूं दिल में मेरे आज का। ओहो हो, आज तो मामला बहुत सेट लग रहा है भाई, क्या बात। अरे है सेट तो हो रहे ना, खोले दिल इवेंट जो होने वाला है, अब मेरे मन को और घुट घुट के छीना नहीं पड़ेगा। ओहो हो, इतना दुख दर्द पीड़ा कष्ट तेरी उम्र वालों को कब से होने लग गया भाई। अरे जब से वो हमारी जिंदगी में आया रात तो ठीक चली गई पुष्पा, और अब मैं उसे ये बात कह नहीं सकता हूँ बिना उसे बताए। ये कैसे? अरे तो सुन ली, खोले दिल एक ऐसा इवेंट है जिसमें आप अपने क्रश से लेके कॉलेज के वॉचमैन तक को कन्फेस कर सकते हैं अपनी बात बिना अपना नाम बताए। तो बताइए कैसा लगा आपको ये सुनहरा मौका? अब भी मजा आएगा ना बिडू। चलो भाई सुन, ये फंटास्टिक क्या है, नाम सुनने में तो काफी सही लग रहे हैं वे। अरे तुझे फंटास्टिक नहीं पता कुछ? पर फंटास्टिक में क्या होता है तुझे पता है? फंटास्टिक में फोर्थ ईयर से लेके फर्स्ट ईयर तक सभी बच्चे जो पार्टिसिपेट करते हैं सबको टी शर्ट डिजाइन करनी पड़ती है, और ट्रस्ट में कुछ पर काफी तो बहुत सही भी होते हैं। सही है यार, चलिए फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तू आ गया वापस तो मुझे अभी गाने नहीं देगा? ठीक है अभी मुझे गाने नहीं देना है तो छोड़ ही दे, मत गाने दे। अरे यार तूने वो बात दिल पे ले ली, पक्का मनाना पड़ेगा तुझे। हाँ चल मना, देखते कितना मना पाएगा। अरे मेरे पास एक ऐसी चीज तो अभी मान जाएगी। अच्छा तो देर किस बात की, जल्दी बता। कॉलेज का टशन बास और क्या? कॉलेज का टशन बास? हाँ ये एक इवेंट है जिसमें तो तुम सारे टैलेंट शोकेस कर सकती है, तू डांस करे, सिंग करे, स्टैंड अप करे, कुछ भी, और उसके बाद तुझे एक्साइटिंग प्राइजेस मिलेंगे। ये कुछ नया इवेंट है क्या? नया और कॉलेज का टशन बास, ये आर्यन का सबसे सक्सेसफुल इवेंट है, 7-8 सीजन हो चुके हैं इसके। तू इसमें, तुझे गाना है ना, तू इसमें गा, तेरे को बोनस प्राइजेस ही मिल जाएगी। हाँ हाँ मैं जाके अभी एंट्री भर रही हूँ, फिर तुझे पता चलेगा कि मेरे में कितना टैलेंट है। अच्छा जल्दी भर, जल्दी भर, मैं वेट कर रहा हूँ। देख ले सुन, पर एक गेम खेल लेते हैं हम लोग। गेम? कैसा गेम? अच्छा सुन, पहले सुन, पहले तेरे को इस गेम में एक ऐसी चीज इस्तेमाल करनी पड़ेगी जो तू कभी नहीं करती। तू मेरे दिमाग की तो बात नहीं कर रहा ना? अरे तूने इस बार कर दिया इस्तेमाल। वाओ हां हां वेरी फनी। अच्छा ये सब छोड़, इसमें ना आज सम क्वेश्चंस एंड यू हैव टू बेसिक जीके, ठीक है? हां चल चल पूछ ले। चल सुन, हां दिस कंट्री हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्स नेटवर्क, एक्स इज अ व्हीकल एवरी हॉस्पिटल नीड्स। एवरी हॉस्पिटल नीड्स तो एम्बुलेंस होता है। हां और ये पाकिस्तान है, मुझे अच्छे से पता है पाकिस्तान। अरे रैंडम गेस, ठीक है छोड़। रैंडम गेस नहीं है। ठीक है सुन, ये सुन, व्हिच इंडियन पार्टी वाज नेम्ड बाय रिटायर्ड सिविल सर्विस ऑफिसर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ये बता। देख यार मुझे तो एक ही पार्टी पता है, तबका, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है ये थोड़ा डम क्वेश्चन था, पर ठीक है अभी रुक जा। बॉर्न ऑन द डे व्हेन इंडियंस सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल वंस इन अ ईयर बट ऑस्ट्रेलिया डज इट ट्वाइस, ये बोल। ये मेरे को पता है, मेरा कजन ऑस्ट्रेलिया में लेता है, पक्का क्रिसमस है।
से तूने क्या जुगाड़ करके आया। बहुत जुगाड़ी। अभी सुन, तुझे अभी असली गेम मैं बताता हूँ, ठीक है? अभी तुझे क्या करना था? नहीं सुन, तू तेरा आंसर क्या था? पूछ ले। पाकिस्तान, कांग्रेस और क्रिसमस। अब तुझे इनमें लिंक ढूंढना है। लिंक इन तीनों में? इंडियन नेशनल कांग्रेस, पाकिस्तान। सॉरी यार आई सरेंडर, मेरे से नहीं होगा। अभी आई लेना तू लाइन पे। द आंसर इज मोहम्मद अली जिन्ना। हाँ मोहम्मद अली जिन्ना मेरे दिमाग में। यार मुझे गेम और खेलना है, गेम तो तेरे को पसंद आ गया पर अकेले खेलेंगे ना ज्यादा मजा नहीं है, ठीक है? सब साथ में खेलेंगे, कम्पीट करेंगे, प्राइजेस मिलेगा तब ना मजा आएगा। ये कहाँ खेलेंगे यार, कहाँ मिलेंगे मेरे को लोग? Obviously, the answer is same. Radio Nitros, Radio Nitros का एक इवेंट है, Nexus Verse, जो तुझे हर साल मिलता है और इसमें ऐसे बहुत सारे डिटेल्स होंगे और जो फाइनल आंसर कर पाएगा सब कुछ उसको एक्साइटिंग प्राइजेस मिलेगा। या पार्टिसिपेट। यार मैं अभी जा रही हूँ। ब्रो तुझे पता है मुझे बचपन से ही पोएम्स लिखने का इतना शौक था, लेकिन उन पोएम्स को एक्सप्रेस करने के लिए मुझे कभी कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला यार। अरे तो चिंता क्यों कर रही, रेडियो नाइट क्रॉस का पॉइंट आउट है ना, वहाँ पे तू अपने लिखे हुए पोएम्स, डायरी, स्टोरीज बोल के अमेजिंग प्राइजेस ले सकती है। वाओ यार ये बहुत सही हो गया, अब मुझे अपने पोएम्स को एक्सप्रेस करने के लिए एक बहुत सही प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अरे पुष्पर, अब मैं तुझे अपने कॉलेज के एक शानदार फेस्ट के बारे में बताना चाहता हूँ, जो है रेक्सटेसी। वाओ यार रेक्सटेसी, नाम सुनने में तो काफी सही लग रहा है। अरे रेक्सटेसी अपने कॉलेज का कल्चरल फेस्ट, ईस्ट इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट माना जाता है। इसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जैसे मिशन, मिस यूनाइटेड दुर्गापुर, पुनर और भी बहुत कुछ। अरे बहुत मजा आता है। सही है यार, रेक्सटेसी में मैं भी पार्ट लूंगी नेक्स्ट ईयर। यार और बताओ चिता, रेडियो नाइट्रोस के बारे में सुन तो काफी लिया चल, बट और सुन लेते हैं वीडियो मेकर का सबसे सस्ता प्रैंक वीडियो शॉर्ट फिल्म दिल के डायरी से टेलीविजन नाइट्रोस स्टिल एंड दैरन पॉडकास्ट। अरे कहना क्या चाहते हो? वीडियो सीरीज तो वीडियो सीरीज तो सीधा सीधा नहीं बोल सकते थे, इतना कुछ बोला। अरे मुझे लगा थोड़ा मनोरंजन चलते रहना चाहिए ना, तो बोल दिया। मनोरंजन तो चल ही रहा था ना यार, बट ठीक है चल, ये भी सुन लेते तेरी। यार तूने इतने लंबे चौड़े लिस्ट तो तुम्हारी, एक दो के बारे में बताई थी। वीडियो कहीं का के बारे में बताती कुछ क्या? वीडियो यू हैव माय अनडिवाइडेड अटेंशन। So, Video Kaika is one of such ventures where you can find his humorous videos. In Video Kaika, we try and make the basic public opinion about various stuff related to college, and guess what? We came across very interesting answers. चल चल हो गए तब। क्या मतलब तुझे इंग्लिश समझ नहीं आया? क्या मतलब, मैं तेरे को जाने का बोला, चल। हाँ चल चल। अरे यार ये फिर से आ गई, अब पक्का दिमाग का दही करके जाएगी। अरे नहीं नहीं पुष्पल, इस बार कुछ इम्पोर्टेंट बात करने आई। तू और इम्पोर्टेंट, बस बस हाँ बहुत हो गया मजाक। अच्छा ठीक है रो मत, पूछ क्या पूछना चाहती है। अरे यार क्या है ना, आजकल ना पढ़ाई वढ़ाई में ना दिमाग लगता है, कुछ प्रोडक्टिव करने का मन नहीं लगता, ऊपर से कंफ्यूजन कि किस पे फोकस करूँ क्या करूँ, यार थोड़ा हेल्प कर दे बहन। हाँ एक्चुअली तुझे पता है तेरी हेल्प करने के लिए ना मेरे पास एक बहुत ऑसम चीज है। क्या है वो? देख भाई सीधी बात नो बकवास, रेडियो नाइट्रोस का सक्सेस स्टोरीज देख और चिल मार। यहाँ पे मैं टेंशन में मर रही हूँ और तू बोल रही चिल मारने को, यार थोड़ा ठीक से बता दे होता क्या है इसमें। अरे यहाँ पे ना स्टूडेंट्स आकर अपना सक्सेस मंत्रा शेयर करते हैं। वाह यार आजकल के स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स को तो यही चाहिए, एक अच्छा मोटिवेशन और सक्सेस मंत्रा। अभी मैं पक्का जाके फॉलो करूंगी इसको। थैंक्स यार। ये तो सुनना एक बार, उधर देखना प्लीज यार, देखना एक बार उधर प्लीज प्लीज। अरे तुम किसका इंतजार कर रहे हो, तुम भी उधर देखो। क्या उधर? उधर कैमरा में देखिए और हाय कहिए, आपके साथ एक बहुत बड़ा प्रैंक हुआ है।
क्या यार तू भी, क्या यार। So here comes our very famous prank video. ये देखना तो बनता है यार। Go to our YouTube channel now. दिल की एक डायरी जिसके पन्ने जुड़े हैं आपसे। This is the most loved favorite radio show of Radio Nitro Club. तुझे पता है बात? सुन सुन, मुझे ये सब नहीं देखना है, ठीक है? दिल वाले गेम और दिल वाले दुल्हनिया। मेरे को शॉर्ट फिल्म देखना है, ठीक है? और चिल करना है। शॉर्ट फिल्म में मजे के मजे और फन के फन। चिल मारो। क्या यार तू बेटा? ठीक है, कोई नहीं। जो क्राइम पेट्रोल और CID के एपिसोड्स को भी पीछे छोड़ दे। क्या बात है, सुनने में तो बड़ा मस्त लग रहा है। और कौन कौन से पॉडकास्ट है या फिर यही सावधान चल रहा है अभी तक? नहीं भाई, और भी है। ये तो बस शुरुआत है, तो बस देखता जा आगे आगे होता है क्या। तो नेक्स्ट आता है TRP। TRP क्या होता है? जल्दी बोल, सुबह मेरे को पनवेल निकालना है। हाँ हाँ हाँ, TRP बोले तो द आयरन पॉडकास्ट, जिसका TRP आसमान छू जाता है। कितने सारे आसमान छुए तूने अभी तक? दो। पहला है अप्रैल फूल्स डे वाला और दूसरा है कोरोना महामारी। न्यूज़पेपर पढ़ती नहीं हूँ। आजकल मैं RN पल्स, जो रेडियो नाइट्रोस का न्यूज बुलेटिन है, वही पढ़ के एकदम अपडेटेड रहती हूँ। अरे सही यार, मुझे भी दे दे, मैं भी ऐसे यही पढ़ूंगा एकदम। लॉजिक ज़ैप, वाइल्डस्टोन, पिज़्ज़ा हट, रेड एफ़एम 93.5, गीक्स फॉर गीक्स, हाइपरएक्स, Hover Robotics, and Relay India. Hey, now let me tell you all about our club social media outreach. We have a Facebook page with 7k plus followers, which gets updates regarding all our events and occasions. We also have a YouTube channel with 1k plus subscribers and our Instagram page with almost 600 followers. We all over the year, we promote 80 posters and 200 certificates of different events. We also own a website that displays the entire information of the RN community. Do follow our social media platforms to know more about our club. And if you got any doubts, feel free to ask them in the comment section below. So, bacha log, ye sab to ho gayi formal events ke talk. Ab apart from all events, hum bahut saari masti mazaari karte hain. जैसे पार्टी हो गया, क्लबिंग हो गया, और क्या होता है? पूल पार्टीज। तुझे बता दे। पूल पार्टीज। हाँ। अरे अक्षिता, तू वो भूल गई? अपन रात में कैसे फ्रेंड्स के साथ पत्ते खेलते थे यार, कितना मजा आता था। मजा आता था यार। तुम लोग सुनो सुनो, ट्रिप्स ट्रिप्स याद है किसी को? मुझे तो यार, तेरे को कैसे दे, तू आया ही नहीं था तुझे भाई। अरे कितनी बार बताया गया यार, मैं आया था। एक दो ट्रिप में आया होगा तू। ये बोल रहा है, ट्रिप पे जाके बोल रहा है क्लब का ट्रिप। अच्छा ट्रिप छोड़ो, वो पार्टी याद है प्रियांशु, वो पार्टी वाली बंदी याद है? देखो याद है क्या? बस करो ना यार, ऐसा तो कुछ था भी, हुआ भी नहीं। अरे राजीव का डांस यार, आई स्वेयर मैं स्टेटस पे भाई नागिन डांस भूल जाते हैं भाई। क्या किया था लोड पोर्ट के नागिन डांस का? बहुत सही था राजीव, बहुत सही। भूल जाओ, नहीं भूलने वाले। मुझे, मेरे पास वीडियो पड़ी है उसकी। वीडियो का मैं NFT बना दूंगा, छोड़। बट अच्छा छोड़ भाई, अपन किस लिए बैठे हैं वो तो बात करो, मेन मुद्दे की बात से बैठे करे। हां बताओ, चलो प्रियांशु शुरू कर, शुरू कर। बताओ सब। मैं यार, हम पत्ते खेलते हैं रात को, नाइट आउट करते हैं, अपन काफी सारे भूल गए। पत्ते खेलते हैं रात रात भर जाके, नाइट आउट करते हैं। इनको इनको इतना मत बोलो आप, ठीक है? वो बाद में हम सीक्रेट है, ठीक है? आप उनको काम का हम बातें कर लेंगे, वीडियो ऑफ वीडियो। यही तो असली मजे है यार, क्या तुम काम की बात करते आते हैं। और प्रियांशु बता इनको कि क्या करना चाहिए, असली काम क्या है। देखो, आप सभी को ऑडिशन देने रेडियो नाइट्रोस क्लब के
और आपकी मर्जी है तो या ना तो, हम तो वैसे भी खुश हैं आपके साथ हमेशा। सो इसी के साथ बने रहिए, डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट अ बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।